अथ दुर्गा द्वादश नाम माला। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण, सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गार्तिशमुनि दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोपदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्ग मुहा दुर्ग मगा दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी दुर्ग मा सुर संहंत्री दुर्ग मा युद्ध धारिणी दुर्ग मांगे दुर्ग मता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग तारिणी नामावली मिमाम यस्तु दुर्गया मम मानवा पठेत सर्व भयानुमुक्तो भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निःसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है।
विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और षट मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1,000, 10,000 अथवा 1,00,000 बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छुट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुदगर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे, मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे, भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यानों को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती।